नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हो जाइए तैयार, क्योंकि कल से एक जोड़ा सांप आपके घर घुसेगा। जी दोस्तों, जीवन काल में अब आपकी खुशियों की बारिश होने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपके वर्षों के बिखरे सपने संवरने वाले हैं। जीवन काल में लाभ के बहुत सारे मौके खुलने वाले हैं। आपको बता दें कि अब आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जीवन काल की परेशानियां खत्म होने वाली है। जी दोस्तों, कल से ही आपके जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आने वाले दो दिनों तक यह देवता आप सभी के जीवन काल में ऐसा चमत्कार करेगा कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, बशर्ते दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आप कोई भी गलती ना करें। दोस्तों अगर आप इन्हें समझ जाएंगे, अगर आप इन्हें पहचान लेंगे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके घर के कड़कड़ मिट्टी भी सोना बन जाएगा। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों अगले दो दिनों का समय आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। यश में आपको अपने जीवन काल में कुछ कार्यों को करने से सावधान रहने होंगे और कुछ कार्यों को लेकर आपको बचना भी चाहिए। जी दोस्तों, इनसे आप सभी के जीवन काल में आप सभी चीजों को समझ पाएंगे कि यह दो देवता आखिर कौन है और अब आपके जीवन काल में यह क्या दर्शाना चाहता है। आपके घर के माहौल में, परिजन में कौन कौन से बड़े बदलाव करना चाहता है। आपके प्रत्येक क्षेत्र में आने वाले दो दिनों में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, साथ ही आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समय निकाल कर वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, इनमें आपका ही सबसे बड़ा फायदा है। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों इनसे माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से कि दोस्तों एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से या फिर अपने गुरु से पूछा कि हम ईश्वर के आगे, भगवान के आगे सिर आखिर क्यों झुकाते हैं। तो दोस्तों संत ने बड़ा ही सुंदर और मुस्कान के साथ अपने चेले को यह उत्तर दिया कि हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती है और जब भी हम ईश्वर के आगे, अपने रब के आगे, अपने भगवान के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह जो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर हैं दोस्तों, वह ईश्वर के चरणों में पहुँच जाती है और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों में यह दो देवता को आप कैसे पहचान सकते हैं और इनके आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे बुरे कर्मों में यह दो देवता का हाथ है। जी दोस्तों, जब भी आपने अच्छे कर्म किए हैं तो दोस्तों उनमें भी आपको अच्छे परिणाम ईश्वर ने दिया है। ये दोस्तों, और जब भी आपने बुरे कर्म करने चाहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कुछ संकेतों को भी इन्हें दिया है, जिनसे दोस्तों आप सतर्क और सावधान भी रहे हैं। ये दोस्तों, और दोस्तों आप आने वाले दो दिनों में इनकी कैसे पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे संकेत आपको मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको दर्शाएंगे कि यह दो देवता आपके ही पास हैं। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों में आपके घर में या फिर आपके आसपास में दोस्तों आप देखेंगे कि चींटियों का झुंड आएगा। जी दोस्तों, चींटियों का तो नहीं, लेकिन दोस्तों छोटे छोटे ऐसे जीव हैं जो कि आपके पास आएंगे। दोस्तों अगर यह आपके पास आते हैं तो दोस्तों आपको समझ जाना है कि आपका अच्छा समय आ गया है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इसके उपरांत ही अगर आपके आसपास में कोई मोरपंख दिख जाए तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा संकेत है आपके अच्छे दिन के। जी दोस्तों, इसके उपरांत ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आपके सपने में भी कोई धुन सुनाई दे तो दोस्तों इनसे भी आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छे संकेत है, बहुत ही अच्छी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि यह दो देवता जो है आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं। दोस्तों यशोमय कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें। यह जो समय है आपके लिए, ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है।
अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर वाहन लेने की संबंधी कोई भी योजना बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अत्युत्तम समय होगा। इसको प्रांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठ सकते हैं। अनुभवी लोगों के संपर्क में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें अथवा एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें, यह भी आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों कोई कोटी संबंधी मामला उलझ सकता है। आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि हर किसी काम में धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। सभी बात पर ध्यान देने के लिए आप अकेले ही रहेंगे, किसी और के द्वारा आपको मदद भी मिल पाना इसमें मुश्किल हो सकता है, तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रहे, इसलिए गलतियां करने से बचें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगी। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि काम को आप धीरे धीरे ही बढ़ाएं और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेना इसमें आपके लिए बेहतर नहीं होगा, तो इसमें आप इन्हें टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत इसमें आपको बता दें कि आप अपनी चतुराई द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में भी सक्षम रहेंगे। जो दोस्तों काम पिछले काफी समय से रुके हुए या फिर अटके हुए थे, यश में आप अल्प प्रयास से ही पूरे करने की संभावना कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार द्वारा शुभ समाचार मिलने से आपको इसमें खुशी भी मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और फिर करियर के प्रति फोकस रहें। ये जो समय है आपके लिए फिजूल खर्ची में कटौती देखें, सोशल मीडिया तथा व्यर्थ की गतिविधियों में समय जो है नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद भी बेवजह आपको उदासीनता का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी आपको। और दोस्तों इसमें अधिकतर नकारात्मक विचार आपको तकलीफ भी दे सकते हैं, जिसका असर आपके काम पर भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसमें काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को इसमें आराम करने के लिए भी जरूर समय निकालें। दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि के लोग संतुलित प्रवृत्ति के होते हैं और यश में यही गुण आपकी तरक्की में जो है सहायक होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से भी उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी का महसूस भी करेंगे। और दोस्तों यश में कभी कभी बातचीत के दौरान आपके मुँह से कोई ऐसी भी बात निकल सकती है जो संबंधों के लिए नुकसानदायक रहेगी। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना आपके लिए जरूरी होगा। गुस्से व फिर जल्दबाजी के बजाय आप यश में नरमी से काम लें, नहीं तो दोस्तों अपने काम को आप यश में बिगाड़ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपके लिए कैसे समय होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में अपनी माता के साथ बात करने से आप परहेज करें, क्योंकि दोस्तों जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उसी बारे में हल तो नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों भावनों तक तकलीफ का आपको सामना जरूर करना पड़ सकता है। भूतकाल से संबंधित बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्ते में कटुता इसमें आने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत भी इसमें बनेगा। नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करने का उचित समय है। दोस्तों किसी धार्मिक स्थल पर भी आपका समय इसमें व्यतीत होने वाले हैं। दोस्तों बुजुर्गों का साथ आशीर्वाद और फिर स्नेह आपको प्राप्त होगा। दोस्तों कुल मिलाकर जो दिन है, जो समय होंगे आपके लिए अत्युत्तम समय रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों यश में कीमत को पहचाने ये आपके लिए बेहतर होंगे। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोई मित्र जो है स्वार्थ की भावना से आपके ऊपर संबंध खराब कर सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको क्या करना है, किसी पर भी विश्वास इसमें नहीं करना है। शायद दोस्तों यश में आपको बता दें कि बेकार की बातों में ध्यान न देते हुए अपने कामों को करते रहें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके आसपास की परिस्थिति उतनी सकारात्मक नहीं है जितना आपके ऊपर दिख रहा है। दोस्तों यश में परिवार संबंधी झगड़ों को सुलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जो है नई समस्या भी यश में खड़ी हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में नए व्यवसायिक अनुबंध आपको विकसित होंगे। और दोस्तों किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए जो समय होगा, जो दिन होगा आपके लिए उत्तम दिन होगा, उत्तम समय होगा। परंतु दोस्तों जो है वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज इसमें ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के उच्च अधिकारियों के साथ भी संबंध जो है इसमें मधुर रहने वाले हैं, लाभदायक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं में कुछ हल्की फुल्की परेशानियाँ भी आने वाली है,
लेकिन दोस्तों समय रहते समाधान भी अवश्य मिल जाएगा। सहयोगियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में भी सहकर्मी ही आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी रच सकते हैं, तो दोस्तों इनसे यश में आपको सावधान रहने की जरूरत भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में काम काज को लेकर पूरी गंभीरता व फिर संजीदगी रखें। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में परिवार तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नई दिक्कतें यश में आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगी, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों के उजागर होने की आशंका लग रही है दोस्तों यश में, इनकी वजह से दिक्कतें भी आ सकती है, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, इनसे दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें परिवार के साथ कुछ खुशनुमा समय व्यतीत करना आपको संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा, तो दोस्तों इनके लिए आप जरूर समय निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य अंत में ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से आपको सावधानी रखना भी आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। दोस्तों आपको बता दें इसके उपरांत आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, सर्दी का असर भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दोस्तों ये जो समय है, आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उचित प्रयास करें, उचित आहार लें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहने वाले हैं।